हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल कि मटेरियल जो हम लोग इस सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसका यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट कहिए या डेंसिटी कहिए, बात एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला लिखा है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वो होता है 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूनिट वेट या डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा है रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट। तो आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। रेड ब्रिक्स का होता है 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फायर ब्रिक्स का होता है 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओपीसी का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी का जो यूनिट वेट होता है वो होता है 1440 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो दोस्तों, सीमेंट में बहुत से टाइप के सीमेंट होते हैं, तो उसमें एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी होता है जिसका यूनिट वेट होता है 1280 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सैंड तो आप सब जानते ही होंगे, बालू को सैंड कहते हैं। सैंड का होता है 1600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एग्रीगेट हम लोग मिलावे को कहते हैं। तो कंक्रीट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का होता है। तो एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है या यूनिट वेट जो होता है वो होता है 1600 से लेकर 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1600 से लेके 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आते हैं ब्रिक डस्ट सुर्खी को कहते हैं। तो सुर्खी की जो यूनिट वेट होती है वो होती है 1010 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों, यहां पे पीसीसी दो बार है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट और एक पीसीसी का मतलब होता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट के भी बहुत से टाइप्स होते हैं जिसमें एक होता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 2400 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सीमेंट मोर्टार। तो सीमेंट का जो मसाला बनता है उसकी डेंसिटी होती है 2080 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जिप्सम मोर्टार की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लाइम मोर्टार मतलब जो चूने का जो मसाला बनता है उसकी डेंसिटी होती है 1600 से लेकर 1840 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और वाटर जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सेलाइन वाटर का मतलब होता है कि वो पानी जो नमकीन होता है, मतलब खारा पानी जो होता है उसको सेलाइन वाटर कहते हैं। तो सेलाइन वाटर की जो डेंसिटी होती है उसकी डेंसिटी होती है 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। रेनफोर्समेंट स्टील।
तो रेनफोर्समेंट स्टील से मतलब ये है कि हम लोग साइट पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें हम लोग जो स्टील यूज करते हैं उसको रेनफोर्समेंट स्टील कहते हैं। तो रेनफोर्समेंट स्टील की जो डेंसिटी होती है उसकी डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो रेनफोर्समेंट स्टील से पूरी तरह अलग होता है। तो स्टेनलेस स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7450 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सॉयल, सॉयल का मतलब हो गया मिट्टी। तो मिट्टी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आइस, आइस मतलब बर्फ। बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो होती है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने प्लेन सीमेंट कंक्रीट से लेके आइस तक ऐसे बहुत से इसमें मटेरियल्स हैं जिसमें जिसकी डेंसिटी आप लोग देख चुके हैं। तो डेंसिटी का हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है। डेंसिटी के माध्यम से हम किसी भी मटेरियल या फिर कह सकते हैं जैसे बीम, कॉलम या फिर स्लैब की हम लोग वेट ज्ञात कर सकते हैं। वो वेट ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि आपको एक स्लैब है, जैसे मान लिया कि आपका एक स्लैब है वो है 10 10 मीटर इंटू 12 मीटर और उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 मीटर है। अब अगर आपको इस स्लैब का वेट निकालना होगा तो उसके पहले सबसे पहले आपको इस स्लैब का वॉल्यूम ज्ञात करना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड उसका हाइट। हाइट मतलब डेप्थ। तो अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आएगा दोस्तों वो ये आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 × 12 × 10 × 12 × 0.25, 30 आ रहा है। तो ये जो हमारा इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि हमारा सभी जो यूनिट है वो मीटर में ही है। अब देखिए, हमको वॉल्यूम पता चल गया। कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है, इसमें तो आप आरसीसी के लिए निकाल रहे हैं, तो आरसीसी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जैसे कि आपने अभी देखा है आरसीसी की डेंसिटी 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो गया 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमको अगर उस स्लैब का वेट निकालना होगा तो हम सीधे कर देंगे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा आया है 30 मीटर क्यूब और डेंसिटी हमारी आई है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब नीचे चला जाएगा, तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया और हमारा जो बचा वो बचा यहां पे 30 × 2500। 2500 को 30 से गुणा कर दीजिए, 2500 × 30, ये आ रहा है 75,000 और यहां पे आपका बचा है केजी। तो मतलब आपका जो स्लैब है उसका जो टोटल वेट आएगा वो आएगा 75,000 किलोग्राम। तो ऐसे ही डेंसिटी के माध्यम से हम लोग किसी भी बीम, स्लैब, कॉलम या फिर किसी भी वाल, अन्य चीजों की हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो बस आज के चैनल, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिविल की बात एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।